क्योंकि कंगना रनावत चूतिया औरत है एक नंबर की। करण जौहर ने कुछ लिखा तो उसकी जान मार दी फोकट में। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है भैया, आप कभी सुशांत से मिले थे? हाँ जी सर, मिले थे। मैंने उसके लिए गाना भी गाया है, मैं उससे मिला भी हूँ। आपको क्या लगता है कि जो बॉलीवुड पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो कितने सच? वाजी आई से टट्टी चार्जेस है सब, चूतियाबा है ये जो बातें और न्यूज़ चल रही ना, रंडी रोना चालू है। सच बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं है वो सब। ही नेवर कंप्लेंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स भाई। वो टीवी से उठ के बॉलीवुड में उसने अपना अच्छा नाम बना लिया था, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा कोई आइसोलेशन नहीं था उसको। उसके जो पुराने, वो बंदा ऐसा था कि उसके जो पुराने दोस्त थे वही उसके दोस्त थे। उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे उसको सब लोग, कोई इशू नहीं था भाई। वो बंदा शुरू में जैसा था वैसे ही वो बाद में भी था। उसके दोस्त भी नए, उसकी सबसे अच्छी खासियत ये थी उस बंदे की कि वो बदला नहीं था, वो खुद ही अपने पुराने दोस्तों के साथ ही रहता था। वो कुछ आइसोलेट वाइसोलेट नहीं, चुतियाप है। और ये जो नेपोटिज्म की बातें हो रही है ना, ये सब चुतियाप है। मतलब इस सुशांत के कॉन्टेक्स्ट में चुतियाप है। फोकट में क्यों भैया? इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपको रियल पता होगा टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। अरे भाई इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेंड जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग मतलब समझते क्या होता है? कोई जब एक कोई चीज जब ट्रेंड हो जाती, ट्रेंडिंग पे होती है, तो उसी चीज के ऊपर और वीडियोस बनाने को ट्रेंड जैकिंग बोलते हैं, समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी ने जब वीडियो बनाया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर, ठीक है, वो वीडियो ने एक दिन पे पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, ठीक है, खूब व्यूज आए, पागल हो गए सब। अब क्या करने लगे लोग? ट्रेंड जैकिंग करने लगे। मतलब रुको, तो लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, सब ने उस यूट्यूबर से टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि दैट टॉपिक इज ट्रेंडिंग, उस पर अगर वो बनाएंगे अपना वीडियो तो उनको हेल्प मिलेगी। Joke's over! You're dead! Enemy spotted. Side. One enemy remaining. Right here. 30 seconds left. हाँ भाई, so अब क्या हुआ? YouTube versus TikTok video इतना viral हुआ, इतना उसने record break किए। अब दुनिया भर के यूट्यूबर ने और दुनिया भर के टिकटॉकर्स ने उसी टॉपिक पे अपने अपने और वीडियोस बनाए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जैकिंग। अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये दुर्घटना हुई, अब ही ट्रेंडिंग था बिकॉज एवरीबडी वॉज यू नो राइटिंग देयर अपने अपने व्यूज सुशांत के बारे में लिख रहे। दैट सुशांत सिंह राजपूत वॉज उसका जो डेथ था, उसका जो सुसाइड था वो ट्रेंडिंग था और अनफॉर्चुनेटली, और लोग इतने हरामी हैं कि अब उस पर वो हर कोई अपनी फ़ोटो, मेरे पास भी फ़ोटो है सुशांत के साथ, ऐसा नहीं है, बट मैं नहीं था उसके इतना क्लोज तो मैंने फ़ोटो नहीं डाला। लोग अब बंदा चला गया है तो अरे उसके साथ फ़ोटो खींच कर इतना ओवर किया ना, और उसके बाद लोग भी ओवर कर रहे हैं। करण जौहर ने कुछ लिखा तो उसकी जान मार दी फोकट में। अरे भाई ऐसा नहीं होता है ब्रो। फिर कंगना यार क्यों बोल रही कि बॉलीवुड वाले जिम्मेदार है? क्योंकि कंगना रनावत चूतिया औरत है एक नंबर की, इसलिए। भाई आपको क्या लगता है कंगना रनावत बहुत सेन औरत है क्या? ड्रामेबाज है वो बहुत बड़ी। शुरू में ठीक है उसने जनता का वो ले लिया ओपिनियन, मतलब लेट्स कीप इट गोइंग।